हाय एवरीबॉडी, दिस इज दर्शन खरे, रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे. सो हाउस एवरीवन, कितने लोग आ गए हैं, कितने लोग आने वाले हैं, जल्दी जल्दी आ जाइए. ठीक है, चलो. इज एवरीबॉडी देयर? 2-5 मिनट हम वेट कर लेते हैं, 2 बजे नियरली सब लोग आ जाएंगे. फर्स्ट हम आज के सेशन के अंदर सबसे पहले सर्फेसिया और पीएमएलए कंप्लीट करेंगे. सर्फेसिया और पीएमएलए कंप्लीट करने के बाद हम कंपनी लॉ के लिए जाएंगे. सर्फेसिया पीएमएलए जल्दी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. थोड़ा सा बूस्टर में से हम इसको रिवाइज करेंगे, सो इट विल बी हेल्पफुल. ठीक है, तब तक के वेट करना. ठीक है, कल के सेशन आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट ऑन द सेम. अभी अगर आप फ्री हो तो, या आपको कोई क्वेरी है तो फिलहाल आप कमेंट कर सकते हो. मैं शायद विजिबल नहीं रहूंगा अगले 4-5 मिनट के लिए, आफ्टर दैट आई विल बी विजिबल. लेट्स गो फॉर दिस. सिंपल बुक बहुत ओल्ड है बेटा, आई विल रादर सजेस्ट यू टू हैव न्यू बुक सेट, जो पूरा का पूरा आपको नया मिलेगा. शर्मा, हाय एवरीबॉडी, मोहम्मद, शुभम, रामेश्वरूप, संतोष, कपिल, प्रदीप, जागृति, सिद्धार्थ, अक्षत, वरुण, साजिद, प्रेरित, हाय एवरीबॉडी. सी एम फाइनल स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है बेटा, सो दे कैन वॉच. सो निखिल, आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लेकिन सी एम फाइनल का 20 मार्क का यहाँ पे कवर नहीं होगा. मुस्तफा, थैंक यू सो मच. श्रेया चौधरी, हाय बेटा. राहुल, हाय. प्रवीण, हाय. एडवोकेट कोमल जेसवानी, हाय. लॉयर हो बेटा कोमल आप? हाँ, अभी वी कैन नॉट डिलीवर एनी न्यू बुक, तो ऑब्वियसली यू कैन रीड अ सिंपल बुक, ऑप्शन नहीं है. पर मे 19, नवंबर 19, मे 20 के पूरे अमेंडमेंट्स देखो उज्जवल मोदी, तो ये होगा बेटा. ठीक है, तो ही जाके ये हो पाएगा. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. निरंजन, हाय. आरती, हाय. कॉमरेड सिंह, हाय. पुनीत, पीयूष, दीपिका, अमन, शुभम, रोमा, निस्वार्थ, तुषार, पंकज, चांदनी, सचिन, अनीशा, एवरीबॉडी हाय. 360 लोग हो चुके हैं. प्रणाम गुरुवर्य. वेंकटेश बेटा, रामायण महाभारत ज्यादा देख रहे हो क्या? प्रणाम बेटा. तुषार, प्रणाम बेटा. हिमांक, इकोनॉमिक लॉ केस स्टडी पार्ट 2 10 तारीख का अपलोड हो जाएगा बेटा. 6D का पार्ट 2 10 तारीख तक अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी. सभी रोमा कल के पार्ट अपलोडेड है, आप YouTube पे चेक कर सकते हो. ओके, 400 स्टूडेंट्स ऑलरेडी देयर, बहुत ही जबरदस्त. शुभम, रितुज, हर्ष, कितने अच्छे अच्छे नाम है जिंदगी के अंदर. नेहा, रोमा, अजय, प्रशांत, अभिषेक, जयेश, रविना, श्वेता. रविना, थैंक यू सो मच बेटा. किंगशुक पॉल, थैंक यू सो मच बेटा. प्रणाम कुणाल, सचिन, नीतीश, सिमरन, हाय 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 सबको हाय. इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, वो इतने फास्ट स्क्रॉल होते जा रहा है, आई कैन नॉट हेल्प इट. ओके, 450 स्टूडेंट के आसपास आ रहे हैं, मतलब 450 तो कंसिस्टेंट नंबर है ही. आई डोंट नो कि बच्चों सब कहाँ गायब हो गए, बट ठीक है, दैट्स वेरी फाइन. चलो, ओके, नाउ आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टॉप कमेंटिंग. हाय, अभी हम जा रहे हैं हमारे कंटेंट की तरफ, और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा लॉ, दैट इज सर्फेसिया, दैट इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट.
अब मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हाथ जोड़ के तहे दिल से कि प्लीज कमेंट करना बंद कीजिएगा। हाय हेलो सबको मेरी तरफ से, हाय सबको मेरी तरफ से प्रणाम। और ऑब्वियसली आई एम वेरी हैप्पी कि आप ये रिविजन लेक्चर देखने के लिए आए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि आपको अगर अब कोई क्वेरी है तो प्लीज उसी को पुट कीजिए, अदरवाइज बहुत सारे लोगों की क्वेरी अनआंसर्ड रहेगी। सो टाइम टू टाइम जो जो चीजें मैं कमेंट करने के लिए बोलता हूँ आप कमेंट करते रहिए, तो क्लास थोड़ा सा कैसा सिचुएशन में चलता जाएगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ हमारा सबसे पहला लॉ। बेटा मॉड्यूल अपडेटिंग लेक्चर जयेश आपको वीडियो लिस्ट में ढूंढना पड़ेगा, ऑलरेडी अपडेट करके रखा है, या यूट्यूब पे सर्च करो। बाकी चीजें आप यूट्यूब पे जैसे सर्च करते हो वैसे ये भी सर्च कर लिया करो, थोड़ा सा ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं लॉ जिसका नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट। वन सेकंड, मैं थोड़ा सेटिंग कर लूं मेरे हिसाब से, होल्ड। गुड टू गो। हेलो 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 हेलो, ओके लेट्स गो। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, कंसोलिडेट करना अच्छे तरीके से। आज हम जो लॉ देखने वाले हैं दैट इज सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया के साथ में एक बहुत अच्छी बात ऐसी है बेटा कि अगर आप सरफेस एरिया लॉ का एक बेसिक ट्रांजेक्शन बड़े अच्छे तरीके से समझ जाओ तो आपको सरफेस एरिया पूरा का पूरा एक ही ट्रांजेक्शन में समझ में आ जाएगा। मतलब अगर आप बेसिक ट्रांजेक्शन समझ जाओ तो पूरा सरफेस एरिया एक ट्रांजेक्शन में समझ में आएगा। अगर ये ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आया आपको तो देर आर क्वाइट अ चांसेस कि आपको सरफेस एरिया में से कुछ भी समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है। सो बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देते रहना, चीजें आपको जरूर समझ में आएगी। बोर्ड पर सिर्फ ध्यान देते रहना मैं क्या कह रहा हूं उसके लिए, ठीक है। लेट्स गो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। अब सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट जो है उसका कुछ स्पेसिफिक पोर्शन ही हमको एप्लीकेबल है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ट्रांजेक्शन से शुरू कर रहा हूं। नॉर्मली हम चार चीजें देखते हैं हर लॉ में, प्रीएम्बल, चैप्टर स्ट्रक्चर, अथॉरिटी स्ट्रक्चर। लेकिन सरफेस एरिया में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैं रेगुलर बैच के अंदर इसको लेता हूं पर सरफेस एरिया में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। आपको मैंने एक बार बताया है ऑलरेडी कि किस तरीके से आपने इसको देखना चाहिए, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट डायरेक्टली विद द चैप्टर, ठीक है। चैप्टर के पहले भी मैं ये स्टार्ट करना चाहूंगा कि यहां पर मैं सरफेस एरिया के कुछ कंसेप्ट पहले बोल दूं और उसके बाद में ये कंसेप्ट अगर आपको सरफेस एरिया का समझ में आ गया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि सरफेस एरिया में आपको कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है। बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना बेटा, ठीक है। लेट्स गो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सबसे पहले एक चीज आपने समझना है, देयर इज अ बोरोवर, ठीक है। किसी बोरोवर ने बैंक से बड़े पैमाने पर लोन लिया, किसी बोरोवर ने बैंक से बड़े या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बड़े पैमाने पर लोन लिया। जब बोरोवर बैंक से बड़े पैमाने पे लोन लेता है तो बदले में वो खुद की जो असेट है वो मॉर्गेज करता है बैंक को, तो नॉर्मली दिस इज मॉर्गेज, ठीक है। जब ये असेट बैंक को मॉर्गेज की जाती है, ठीक है, जब ये असेट बैंक को मॉर्गेज की जाती है तो ऐसे सिचुएशन में इसे हम कहते हैं सिक्योर्ड असेट, सिक्योर्ड असेट। सरफेस एरिया में ये दो तीन वर्ड बड़े आते हैं जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इस असेट को कहा जाता है सिक्योर्ड असेट, और जो लोन है इस लोन को हम नाम देते हैं बच्चों फाइनेंशियल असेट। तो जब भी मैं पूरे रिवीजन में फाइनेंशियल असेट बोलूं तो आपने लोन मानना है, और सिक्योर्ड असेट बोलूं तो जो असेट गिरवी है वो मानना है। ऐसा भी हो सकता है कि बोरोवर के बिहाफ पे कोई श्योरिटी गारंटी दे, कोई श्योरिटी बोरोवर के बिहाफ पे गारंटी दे। सो पहला वाला पोर्शन लोन लिया, दूसरा वाला पोर्शन एक तो मॉर्गेज दिया नहीं तो श्योरिटी दिया बैंक को। अब अगर हम देखें तो बैंक के बैलेंस शीट में इस असेट को जब तक ये पे हो रही है, बैंक के बैलेंस शीट में जब तक ये पे हो रही है तब तक ये परफॉर्मिंग असेट मानी जाएगी, पीए, बैंक के बैलेंस शीट में। लेकिन जब इसके ऊपर 3 महीने से ज्यादा, 90 डेज या 3 महीने से ज्यादा जिसके इसके ऊपर जब पेमेंट नहीं आता तो ऐसे सिचुएशन में इस असेट को माना जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ, है ना। फिर बैंक खुद के हिसाब से इसको रिकवर करने के बहुत सारे आइडियाज लगाती है, जैसे बैंक फैक्टोरिंग करती है, जैसे बैंक डेल क्रेडिट एजेंट अपॉइंट करती है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें बैंक करती है जिस वजह से हो सकता है ये नॉन परफॉर्मिंग असेट वापस परफॉर्मिंग हो जाए या फिर बैंक को समझ में आ जाए कि इट इज अ लॉस असेट। एल ए मतलब लॉस असेट, कौन सा असेट बोले एक बार, लॉस असेट। जब बैंक को यह समझ में आ जाता है कि दिस असेट इज अ लॉस असेट तो ऐसे सिचुएशन में बैंक को इस असेट की वैल्यू बैंक के बैलेंस शीट में हो जाती है रुपीज जीरो,
अब जब बैंक के बैलेंस शीट में इस असेट की वैल्यू हो जाती है जीरो, अब नॉर्मली मैं इसको रेगुलर बैच में बहुत स्टोरी वगैरह बना के समझाता हूं, लेकिन यहां पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाऊंगा। जब बैंक इस असेट को लॉस असेट समझती है तो एक कंपनी आती है जिसे कहते हैं एआरसी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसको आप सिक्योरिटाइजेशन कंपनी भी बोल सकते हो। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आती है जो बैंक से इस लॉस असेट को परचेस कर लेता है और बदले में सिक्योरिटीज देता है। नॉर्मली जो सिक्योरिटीज दिया जाता है वो एक तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं बोले एक बार, जो से डेट इंस्ट्रूमेंट। और बस इसी चीज को, ये जो चीज की ना कि लॉस असेट लेना और सिक्योरिटीज को देना, बस इसी चीज को, इस चीज को बेटा कहा जाता है जो हमारे एक्ट का सबसे पहला नाम है, सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन मतलब एग्जिस्टिंग लोन या नॉन परफॉर्मिंग फाइनेंशियल असेट को आप कन्वर्ट कर दो इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, दिस इज कॉल्ड एज सिक्योरिटाइजेशन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को याद रखना। एक्ट तीन पार्ट में डिवाइडेड है, सिक्योरिटाइजेशन, दूसरा पार्ट है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट, और तीसरा पार्ट है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, 1, 2, 3। ये चीज को आपको समझना जरूरी है। तो पहला हो गया सिक्योरिटाइजेशन, कि भैया हमने लॉस असेट ले ली, हमने लॉस असेट ले ली और बदले में सिक्योरिटीज बैंक को इश्यू कर दिया, नॉर्मली डेट इंस्ट्रूमेंट। कुछ केसेस में हम अदर इंस्ट्रूमेंट जैसे इक्विटी कैश वगैरह भी दे सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। अब ये चीज होने के बाद में अब अल्टीमेटली हुआ क्या, अल्टीमेटली जो लोन था वो पूरा का पूरा असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास चला गया। सर ऐसी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आज के डेट में एग्जिस्ट है क्या? हाँ बेटा, एडिलवेस सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, रिलायंस सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, उसके बाद में अगर आप चोला मंडलम सिक्योरिटाइजेशन कंपनी में आता है, बहुत सारे, मतलब अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करो एआरसी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी तो आपको लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो ये प्रैक्टिकली आज के डेट में एग्जिस्ट करता है। अब ये जो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी है, अल्टीमेटली इसने बैंक को रिप्लेस कर दिया बोरोअर के लिए, मतलब अब अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो गया? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने, अब क्या माना जाएगा, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने बोरोअर को लोन दिया है ये माना जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने बोरोअर को लोन दिया ये माना जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में अगर बोरोअर पे कर सकता तो पहले ही पूरा लोन पे कर देता, पर अब बोरोअर लोन को पे नहीं कर सकता, इसलिए सिक्योरिटाइजेशन कंपनी बोरोअर के साथ कुछ निगोशिएशन करती है, निगोशिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटाइजेशन कंपनी बोरोअर को बोलेगी कि भैया तेरा जो इंटरेस्ट रेट है हम उसे माफ कर देते हैं, बोरोअर को बोलेगी जो तेरा प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, बोरोअर को बोलेगी तेरा पेबैक पीरियड जो है उस पेबैक पीरियड को बढ़ा देते हैं। ऐसे अलग अलग चीजें सिक्योरिटाइजेशन कंपनी बोरोअर के साथ ट्राई करती है। इस चीज को बोला जाता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट। जो एग्जिस्टिंग लोन है आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करके परफॉर्मिंग करने की कोशिश कर रहे हो, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लॉ, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। एंड थर्ड पार्ट ऑफ दिस लॉ है, तीसरा पार्ट है इस लॉ का, कि अगर बोरोअर ने लोन का रिपेमेंट नहीं किया, बोरोअर डिड नॉट रिपे द लोन, बोरोअर नॉट रिपेड अ लोन, तो ऐसे सिचुएशन में हम बोरोअर की इस सिक्योर्ड असेट को कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी इसको कॉन्फिस्केट कर लेगी। इसे कहा जाता है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। जो सिक्योरिटी में हमारा इंटरेस्ट था, जो सिक्योर्ड असेट में हमारा इंटरेस्ट था, हमने उसको एनफोर्स किया, और ये हमारे लॉ का तीसरा पार्ट है, दैट इज एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। और बस यही तो एक्ट है, सिक्योरिटाइजेशन, एग्जिस्टिंग लोन को सिक्योरिटीज के फॉर्म में कन्वर्ट करना, दूसरा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट, एग्जिस्टिंग लोन जो नॉन परफॉर्मिंग है उसके टर्म्स अल्टर के उसको परफॉर्मिंग बना देना, और तीसरा एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है कि भाई जो भी आपका असेट के अंदर इंटरेस्ट है, जो भी सिक्योर्ड असेट में आपका इंटरेस्ट है उसको इन्फोर्स कर देना, मतलब उस असेट को कॉन्फिसकेट करके बेच देना। यह है हमारा सर्फसिया का बेसिक। अब इसमें कुछ क्वेरीज जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती। पॉइंट नंबर वन, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इट इज ऑल्सो गवर्न बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एज पर द प्रोविजन ऑफ सर्फसिया। ठीक है। पॉइंट नंबर टू, ये असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का पेडअप जो कंट्रीब्यूशन है, ओन्ड फंड्स, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो प्रमोट करता है ना बेटा, जो प्रमोट करता है, प्रमोटर ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज कॉल्ड एज स्पॉन्सरर। ठीक है। और ये जो पैसे डालता है उसे कहते हैं ओन्ड फंड्स, मतलब प्रमोटर जो फंड्स लेके आता है उसे कहते हैं ओन फंड्स, जो नॉर्मली हमको लगता है 100 करोड़ और 15% ऑफ फाइनेंशियल असेट। अब कई सारे बच्चों को 100 करोड़ या 15% में अगर कोई इंटरप्रिटेशन में दिक्कत है तो आपके ऑथर ने जो इंटरप्रिटेशन बोला, फिलहाल 100 करोड़ और 15% की लिमिट है, ये बार बार चेंज हो सकती है, ये मैं बोल रहा हूं। स्पॉन्सरर और उसे कहते हैं नेट ओन फंड्स। पॉइंट नंबर थ्री, सर एआरसी ये बैंक को
कितना कंसिडरेशन देगा लोन लेने के लिए। मतलब जब बैंक से एआरसी को लोन आएगा, बैंक से एआरसी को जब लोन आएगा तब एआरसी बैंक को कितना कंसिडरेशन देगा। तो इसका आंसर है बच्चों एज पर एग्रीमेंट, जो भी एग्री किया है, मियाँ राजी, बीवी राजी, एआरसी राजी, बैंक राजी, तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। तो डिसाइड करें कि उनका एज पर एग्रीमेंट कितने डेट इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कितना उनको कंसिडरेशन चाहिए, कैश चाहिए, अदर का इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो खुद डिसाइड करें। फिर बच्चे में कोई एक सवाल और पूछते हैं, चौथा सवाल, सर क्या एक एआरसी एक बैंक ये कंपलसरी है, क्या एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एक बैंक कंपलसरी है। नहीं बेटा, एक एआरसी अनेक बैंक भी हो सकता है, अनेक एआरसी एक बैंक भी हो सकता है, अनेक एआरसी ये कुछ हाँ, अनेक एआरसी अनेक बैंक्स भी हो सकता है, इसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, अनेक बैंक कुछ भी हो सकता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, तो ये चीज को आपने याद रखना। फिर बच्चे मेरे को सवाल पूछता है, सर बोरोवर क्या एआरसी फ्लोट कर सकता है, क्या बोरोवर खुद की एआरसी बना सकता है। एआरसी बनाने के लिए आपको 100 करोड़ का नेट ओन फंड्स, 15% ऑफ फाइनेंशियल असेट, आरबीआई का अप्रूवल, आरबीआई के गाइडलाइंस, ये सब कंप्लाई करना पड़ता है, आरबीआई आपको यह अलाउ ही नहीं करेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। सर व्हाट इफ अगर बैंक रिकवरी कर सकती है तो क्या, अगर बैंक रिकवरी कर सकती है तो क्या। बेटा अगर आप इसी सवाल में फंसे हुए रहोगे कि बैंक रिकवरी कर सकती है तो फिर हम ये लॉ पढ़े ही क्यों, फिर असेट रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत ही क्या है, फिर हम सरफेस एरिया में आएंगे क्यों अगर बैंक रिकवरी कर सकती है, फिर तो ये असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने की भी जरूरत नहीं थी, तो उसके लॉ की भी कोई जरूरत नहीं थी। तो इस लॉ का बेसिक असम्पशन है कि मैं बैंक रिकवर कर नहीं सकती। बहुत सारे बच्चे इसी उलझन में पड़ जाते हैं, बैंक रिकवर कर सकती तो क्या। इस लॉ का बेसिक असम्पशन है, ये लॉ ही इस असम्पशन के ऊपर बनाया गया है कि बैंक रिकवर नहीं कर सकती। क्लियर है कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर बोरोवर ने जलाने की धमकी दी, जला लूंगा, बोरोवर ने जलाने की धमकी दी कि मैं खुद को जला लूंगा, तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे सिचुएशंस के अंदर अगर बोरोवर बोलता है कि मैं खुद को जला लूंगा तो क्या बैंक बोरोवर को जलाएगी। अगर बैंक ने गलती से बोरोवर को जल नहीं दिया ना, कल के न्यूज़पेपर के अंदर एक न्यूज आएगी कि बैंक लोन रिकवरी के लिए बोरोवर को जलाती है, इस वजह से बैंक का गुडविल डैमेज होगा। लेकिन एआरसी ने अगर बोरोवर को जलाया तो एआरसी का गुडविल हाइप होगा, क्योंकि एआरसी का काम ही डरावना है, एआरसी का काम वसूली का है। कल जाके एआरसी ने किसी बोरोवर को जलाया, परसों उसके सामने 1000 बैंक खड़े हो जाएगी खुद के लोन के रिकवरी के लिए। तो ये चीज को आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। लास्ट चीज, देयर इज वन कांसेप्ट जो आपने कभी सुना होगा, इट इज कॉल्ड एज डेट सिक्योरिटाइजेशन। डेट सिक्योरिटाइजेशन, मैं इसको यहां पे थोड़ा सा साइड में बोलता हूं, आपने एसपीवी सुना होगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है, व्हीकल ड्रॉ करना पड़ेगा, दिस इज व्हीकल एसपीवी। नॉर्मली आपको बताऊं तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ये बहुत सारे बैंक्स से बड़े पैमाने पे एनपीएस उठाती है और फिर इन एनपीएस को इस एसपीवी में डालती है, और इस एसपीवी में समझो ₹100 करोड़ के एनपीए है। कितने करोड़ के एनपीए है? 100। अब ये पूरे तो रिकवर नहीं होंगे, पर अभी एआरसी को सबसे पहले लिक्विडिटी की जरूरत है। तो ऐसे सिचुएशन में एआरसी इस 100 करोड़ में से हो सकता है 10%, 20% एक्सेट्रा, फॉर एग्जाम्पल एक्सेट्रा, ये एआरसी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को सिक्योरिटीज इश्यू करती है, और फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर इसके बदले में एआरसी को फंड्स देते हैं। एआरसी को 10-20 करोड़ के फंड्स देंगे, जो भी 10% 20% जो भी है उतने फंड्स देंगे। ये एक तरीका होता है, एआरसी खुद के लिक्विडिटी क्रंचेस इस तरीके से मिटाती है। इसे कहते हैं रेजिंग ऑफ द फंड थ्रू इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू स्पेशल पर्पज व्हीकल, और इसी चीज को कहा जाता है डेट सिक्योरिटाइजेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोरोवर, और इसी को कहा जाता है असेट सिक्योरिटाइजेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक। ये चीज को आपको बड़े अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, ये चीज को आपने याद रखना। तो अभी और क्वेरी है तो आप कमेंट में उसको पुट कर सकते हो, फिलहाल मैं चाहूंगा इसके स्क्रीनशॉट्स आप लेकर रखो, ये आपके काम में आएगा, गो फॉर इट फास्ट। अभिषेक रोबोटिक वॉइस नहीं है बेटा, हम कल से वनडे रिविजन ले रहे हैं, अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है तो आपका इंस्ट्रूमेंट एडजस्ट कीजिए बेटा। इसकी अथॉरिटी का स्ट्रक्चर जय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं बोल सकता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के इसके अंदर आरबीआई आएगा, और जो जुडिशियल अथॉरिटी है उसके अंदर तो हम ऑलरेडी देखेंगे कि भाई डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और वहाँ पे जो अपीलेट वाली अथॉरिटी है डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये भी आ सकते हैं। एसपीवी स्पेशल पर्पज व्हीकल का सिंपल मतलब होता है बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एसपीवी स्पेशल पर्पज व्हीकल का मतलब होता है तुलू, अ व्हीकल इन विच यू कैन पुट अ फाइनेंशियल असेट एंड रेज अ लोन रिगार्डिंग द सेम, द व्हीकल इज स्पेसिफिकली मेड फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग द फंड्स। थैंक यू सो मच प्रियंका, इट मीन्स अ लॉट।
स्पॉन्सर थोड़ा रिवर्स करके आशीष वापस देख लीजिए प्लीज। अफून जला लूंगा, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट हो गया सबका, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एसपीवी का, ये काम में आएगा। ये सभी कंसेप्ट, ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई ना, ये सब आगे काम में आने वाला है। कैन ए आर सी इन्वेस्ट इन अदर ए आर सी? नॉर्मली डू डोंट डू सो, बिकॉज रिस्की, बहुत सारा बिजनेस रिस्की होता है, ये चीज को याद रखना। अंकित थोड़ा वापस रिवाइज करने के लिए पीछे चले जाना। 15% वाली लिमिट अभिषेक अभी भी 100 करोड़ और 15%, ये परसेंटेज चेंज होते रहता है, इसलिए मैंने डिलीट करवाया था बेटा इसको पहले, ठीक है। ये परसेंटेज बार बार चेंज होता है, दैट्स वाई वी हैव डिलीटेड द सेम, लेकिन अभी ये 15% और 100 करोड़ है, इसलिए मैंने उसको वापस बोला है। इसकी कोई गारंटी नहीं है साहू कि कितना परसेंट क्यूआईबी जनरली लेता है। दीपक कुमार प्लीज सिर्फ क्वेरी पूछिए। चलो डन एवरीबॉडी, ओके। यहां तक आ गए, सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या कहा। अब जितनी चीजें मैंने आपको बच्चों यहां पे बताई, यही सब सर्फेसिया के प्रोविजंस है, ठीक है। बेटरमेंट ऑफ द सिचुएशन के लिए मैंने सर्फेसिया को कुछ 9 कॉलम्स में डिवाइड किया है, एंड सर्फेसिया के सिर्फ सेक्शन 20 तक के हमको एप्लीकेबल है, सेक्शन 20 के बाद सर्फेसिया का हमको एप्लीकेबल नहीं है। ये आईसीआई ने बोला है 24 जून के नोटिफिकेशन में, ओनली सेक्शन 20 एंड ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल नहीं है, 19 तक के ही एप्लीकेबल है, मतलब सेंट्रल रजिस्ट्री वगैरह वाला पार्ट भी हमको एप्लीकेबल नहीं है। सो हम स्टार्ट करते हैं, मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, मैं फटाफट इसको रीड करता हूं, कंसेप्चुअली भी समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ठीक है। रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, जिसके अंदर मैंने बोला था 100 करोड़ का नेट ऑन फंड्स, थोड़ा सा कलर चेंज कर लू, जिसके अंदर मैंने बोला था 100 करोड़ का नेट ऑन फंड्स और 15% ऑफ फाइनेंशियल असेट, ये हमको यहां पे लगता है। दूसरी बात, एआरसी ने पिछले 3 साल में कोई भी लॉस नहीं करना चाहिए, अगर वो कोई दूसरा बिजनेस कर रही है तो। ये तभी था जब ये एक्ट नहीं बना था, एक्ट के पहले वाला प्रोविजन था, तो अगर आपने इसको डिलीट कर दिया, जिनके पास बूस्टर है तो भी चल जाएगा। तीसरा, एआरसी शुड हैव मेड द अरेंजमेंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ द असेट, एआरसी ने असेट रियलाइजेशन की पूरी अरेंजमेंट करनी चाहिए, असेट रिकवरी की। चौथा, स्पॉन्सर मतलब जो प्रमोटर है एआरसी का, उसका मैक्सिमम 50% इन्वेस्टमेंट हो सकता है एआरसी में, एंड 50% ही उसके रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर, क्लियर है। स्पॉन्सर मतलब नॉर्मली वो बंदा जो एआरसी को फाइनेंस करता है ओन फंड्स के तौर पे, जिसको हम प्रमोटर में भी गिन सकते हैं। अगला, अच्छा, एआरसी में 2 टाइप के प्रमोटर होंगे, एक जो एआरसी का कंसेप्ट बिल्ड करके एआरसी को चलाएगा, और दूसरा जो एआरसी को 100 करोड़ का फाइनेंस देगा। जो 100 करोड़ का एआरसी को फाइनेंस देता है प्रमोटर, उसे हम कहते हैं स्पॉन्सरर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ये चीज को याद रखना। एआरसी हैज कंप्लाइड विद ऑल प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ आरबीआई, आरबीआई के सभी कंडीशन से इसको कंप्लाई करना है। आरबीआई कैन रिजेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ एआरसी, आरबीआई एआरसी का एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकता है। RBI approval is also required in the case of substantial change in the management of ARC. ARC के management में अगर कभी substantial change आता है तो RBI का approval लगेगा। ये आपका first column है कि ARC किस तरीके से बनता है। अब देखते हैं ARC का license कब cancel हो सकता है। पहली बात, RBI either cancel the certificate of such a company if ceases to carry on the business. If he ceases to carry on the business, अगर securitization का business वो नहीं कर सकते तो license cancel होगा। If it fails to comply with conditions of RBI, maintain books of accounts and any inspection. मतलब आपने कंडीशन कंप्लाई नहीं किया, आपने बुक्स मेंटेन नहीं किया, और आरबीआई के इंस्पेक्शन में आपने सपोर्ट नहीं किया, तो ऐसे सिचुएशन में कैंसलेशन के पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा। एआरसी कैन प्रेफर, अगर आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ है एआरसी का, तो 30 डेज के अंदर ये सीजी को अपील कर सकता है। स्टार मार्क पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भाई कई सारे बच्चे इसको याद नहीं रखते, पर इसको याद रखना, एग्जाम में पूछने लायक है। फॉर एग्जिस्टिंग लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर एआरसी का लाइसेंस कैंसिल होता है तो एग्जिस्टिंग लोन और इन्वेस्टमेंट के लिए उसको एआरसी अज्यूम किया जाएगा जब तक वो लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स रिकवर और रीपे नहीं होते, ये चीज को याद रखना। तीसरे कॉलम के ऊपर हम जा रहे हैं, ये सभी पॉइंट मैंने शॉर्ट में जानबूझ के बना के रखे हैं, समय सेव करने के लिए, क्लियर है कॉन्सेप्ट। नहीं तो ऐसा लगेगा आपको सर रीड कर रहे हैं, मैं रीड नहीं कर रहा, मैं साथ में आपको समझा भी रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है। राइट और इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल असेट, सिंपल सी बात है कि जो बैंक के पास एनपीए था वो पूरा एआरसी को ट्रांसफर हो चुका है, और यहां पे इसी की बात की जा रही है कि बैंक का पूरा एनपीए एआरसी को किस तरीके से ट्रांसफर होगा। सिंपली थोड़ा सा दिमाग लगाना, एज पर एग्रीमेंट बॉन्ड शेयर्स वगैरह हम देंगे, ठीक है। So, ARC can acquire a financial asset from bank or financial institution by issuing debentures, bonds, shares, depending on the situation. Any other consideration as per agreement, ARC will replace a bank for the purpose. ARC, एक बार ये financial asset होगी, तो ये word काफी important है, replace. ARC will replace a bank for the purpose of such financial asset. मतलब bank चला जाएगा और उसके जगह पे ARC आएगा। अब ऐसा माना जाएगा जैसे loan ARC ने borrower को दिया है। Concept समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। All the contracts, deeds, documents, bonds,
एग्रीमेंट, एआरसी से रिगार्डिंग जितना भी डीड डॉक्यूमेंट, बॉन्ड डॉक्यूमेंटेशन, उसका सिक्योर्ड असेट, उसके श्योरिटी, जो भी उस लोन से रिगार्डिंग है, वो हर चीज बैंक एआरसी को ट्रांसफर करेगी, एवरीथिंग। लीगल लिटिगेशन भी अगर चल रहे हैं तो वो भी वो एआरसी एंटरटेन करेगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, ना ये चीज को याद रखना। ऑल पेंडिंग, देखो ऑल पेंडिंग लिटिगेशन विल ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड। वाइल ट्रांसफर ऑफ सच एनपीए फाइनेंशियल सेट, बैंक नीड नॉट पे एनी स्टैम्प ड्यूटी। देखो नॉर्मली जब आप एक प्रॉपर्टी किसी के नाम पे ट्रांसफर करते हो, जैसे मैंने आपको मेरा घर बेच दिया, तो 6-7% स्टैंप ड्यूटी पड़ती है, ये सबको पता होगा। अगर आप ऐसा ही कोई दूसरा प्रॉपर्टी बेचते हो तो नॉर्मली 6-7% स्टैंप ड्यूटी पड़ती है, पर बैंक ने एआरसी को लोन देने के लिए 6-7% स्टैंप ड्यूटी नहीं पड़ेगी। यहां रिकवरी ही नहीं हो पा रही है, जीरो वैल्यू हो गया था, और 6-7% स्टैंप ड्यूटी देंगे तो क्या होगा? तो ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट वाला प्रोविजन है नोटिस टू ऑब्लिगोर एंड डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन। देखो पहली बात तो आपको यह समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगोर। तो बेटा ऑब्लिगोर का मतलब होता है, ऑब्लिगोर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसका ऑब्लिगेशन है रीपेमेंट का, द पर्सन हुज ऑब्लिगेशन इज टू रीपे द लोन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जस्ट होल्ड। ओके, द पर्सन हुज ऑब्लिगेशन इज टू रिपे द लोन। किसको ऑब्लिगेशन है लोन रिपे करने का? सबसे पहले तो बोरोअर का ऑब्लिगेशन है, और बोरोअर ने नहीं पे किया तो श्योरिटी का ऑब्लिगेशन है। सो यहां ऑब्लिगोर के जगह पे आप लिख सकते हो ऑब्लिगोर मीन्स बोरोअर और श्योरिटी, ये दोनों लोग ऑब्लिगोर में आते हैं, ठीक है। सो हुज ऑब्लिगेशन इज टू रिपे इंक्लूड्स द बोरोअर एंड द श्योरिटी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। एआरसी विल गिव अ नोटिस टू ऑब्लिगोर। अब देखो बैंक ने खुद का लोन एआरसी को दिया है, तो एआरसी नोटिस देगा बोरोअर को कि भाई तुम्हारा लोन मेरे पास आया है, प्लीज इसको रीपे कीजिए। क्लियर है आंसर सबको? हाँ ना। इसके बाद एक बार जो एआरसी ने बोरोअर को नोटिस दे दिया, अब नॉर्मली एआरसी नोटिस नहीं देता, यह नोटिस बैंक देता है। यहां एआरसी लिखा है पर एआरसी देता है इसको थ्रू बैंक, थ्रू बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये लिख के रखना, थ्रू बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नोटिस दिया जाएगा। सिंपली एआरसी नोटिफाइज द बोरोअर दैट ही हैज रिप्लेस्ड, दैट ही हैज रिप्लेस्ड अ बैंक, ये बताना जरूरी है। बोरोअर आफ्टर द सेम मे मेक अ फर्दर पेमेंट्स टू एआरसी। इस नोटिस के बाद बोरोअर ने सभी जो पेमेंट्स है वो एआरसी को करना जरूरी है, और गलती से अगर बोरोअर कभी बैंक को पेमेंट कर देता है तो बैंक इसको एआरसी के ट्रस्ट में होल्ड करेगा, और जब हो सके इसको एआरसी के साथ सेटल कर लेगा। ये चीज को आपको याद रखना है, नोटिस टू ऑब्लिगोर मतलब बोरोअर को नोटिस दो, वो इसके बाद एआरसी को पेमेंट करेगा, गलती से वो बैंक को पेमेंट कर देता है तो इसके बाद बैंक उसको एआरसी को सेटल कर देगा। क्लियर है कांसेप्ट? नेक्स्ट चीज, इश्यूइंग ऑफ सिक्योरिटीज फॉर रेजिंग ऑफ द फंड्स। यही एसपीओ वाला कांसेप्ट था जो मैंने आपको यहां पे एसपीओ वाला कांसेप्ट बोला ना, दिस कांसेप्ट इज इन दिस कॉलम, दैट इज इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज फॉर रेजिंग द फंड्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। The ARC after acquisition of financial asset can pull the same into SPV। ARC सभी financial asset को SPV के अंदर pull करेगा and offer securities on behalf of the same। This is how ARC can raise the funds from the qualified institutional buyer by formulating a scheme। ARC shall maintain a separate account for each of the SPV। मतलब हर SPV के लिए ARC के separate account होने चाहिए। Such a security issued against the SPV shall be redeemed only for realization of the loan by ARC। अब ये जो security से पैसा आएगा वो सिर्फ loan repayment में use होना चाहिए। कौन से loan repayment में? जो loan आपने QIB वगैरह से लिया है। Concept समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। उनके शेयर्स को रिपे करने के लिए यूज होना चाहिए। अगर एआरसी रिकवरी नहीं कर पाया एसपीवी का और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के सिक्योरिटीज रिडीम नहीं हो पाए तो 75% ऑफ द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो उस एसपीवी के 75% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है, दे विल डिसाइड कि एआरसी के खिलाफ किस तरीके से वर्क करना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। ये चीज को याद रखना। फिर उसके बाद में मेजर्स ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन, असेट किस तरीके से रिड्यूस हो सकती है, मैंने ऑलरेडी इसको समझाया था। असेट रिकंस्ट्रक्शन मतलब किस तरीके से लोन रिपे हो सकता है और किस तरीके से फाइनेंशियल असेट रिकंस्ट्रक्ट हो सकती है। सेल और लीजिंग ऑफ द बिजनेस, रीशेड्यूलिंग ऑफ द पेमेंट, मैंने पे बैक पीरियड एक्सटेंड करने के लिए कहा था। कन्वर्जन ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट इनटू इक्विटी, ये किंगफिशर के केस में हुआ था। किंगफिशर ने खुद के कुछ लोन को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके एसबीआई बैंक्स को इशू किए थे। उसके बाद में एक्सटेंशन ऑफ पे बैक पीरियड, ये हमने ऑलरेडी देखा। मेजर्स विच एआरसी थिंग्स फिट, ऐसे कोई भी मेजर जो एआरसी लगता है, अगर डिस्प्यूट अराइज होती है तो आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट में सॉल्व की जाएगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। तो देखो सिंपल, आप एक कंसेप्ट एआरसी वाला समझ जाओ, एक ऊपर वाला कंसेप्ट, बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली आसान हो जाती है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। नेक्स्ट, अदर फंक्शंस एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट। क्लियर है? एआरसी ऑल्सो वर्क्स एज अ एजेंट रिकवरी
एजेंट फॉर द रिकवरी ऑफ द लोन, मैनेजर फॉर मैनेजमेंट ऑफ द असेट एंड रिसीवर फॉर रियलाइजेशन ऑफ असेट। एआरसी बैंक के बिहाफ पे एज ए एजेंट वर्क कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी ऑफ द लोन। दूसरा, एज अ मैनेजर वर्क कर रहा है क्योंकि बोरोअर की फाइनेंशियल असेट और सिक्योर्ड असेट को मैनेज कर रहा है, एंड रिसीवर बोरोअर की सिक्योर्ड असेट को अगर आपको रियलाइज करने की जरूरत पड़ी तो रिसीवर। दो टर्म्स होते हैं बच्चों, लिक्विडेटर रिसीवर। लिक्विडेटर असेट रियलाइज भी करता है, लाइबिलिटी पे ऑफ भी करता है, पर रिसीवर जो होता है वो सिर्फ असेट को रियलाइज करता है, वो लाइबिलिटीज को पे ऑफ नहीं करता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वाला, एआरसी शॉल सेंड नोटिस टू बोरोअर फॉर पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज विद इन 60 डेज। 60 दिन के अंदर आप ड्यूज का पेमेंट कर दो, इसका नोटिस देगा। इसके बाद में बोरोअर ने एक वीक के अंदर, जहां तक मैं रॉन्ग नहीं हूं, आई गेस यहां पे एक वीक का समय बोरोअर को दिया जाता है, एक वीक या दो वीक का, टू रिस्पॉन्ड टू दिस नोटिस। रिस्पॉन्ड टू दिस नोटिस, इसके ऊपर सवाल आया था, ठीक है? टू रिस्पॉन्ड टू दिस नोटिस एक वीक का समय दिया जाता है। अगर बोरोअर स्पेसिफिक समय के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, एक वीक या दो वीक है, इसको जस्ट एक बार कंफर्म कर लेना, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया तो एआरसी उसकी एसेट एक्वायर कर लेगा, बोरोअर को बोलेगा तेरी एसेट एक्वायर कर लेंगे। और जब एआरसी के टोटल वैल्यू 3/4 ऑफ क्रेडिटर से ज्यादा है तो ऐसे सिचुएशन में फिर उस असेट को सेल कर दिया जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? ARC will proceed against surety and guarantor also. Surety अगर कोई है, कोई guarantor है, तो उसके खिलाफ proceed किया जाएगा। अब देखो, ARC ने borrower से asset ले ली, borrower के asset बेच दी, पैसा आ गया। क्या आ गया बोले एक बार? पैसा। अब ये पैसा किस चीज के लिए यूज होगा? फर्स्ट प्रायोरिटी टूवर्ड कॉस्ट एंड एक्सपेंसिस ऑफ रिकवरी, सेकंड प्रायोरिटी अगेंस्ट लोन एंड इंटरेस्ट, थर्ड प्रायोरिटी पर्सन एलिजिबल। पर्सन एलिजिबल में अगर सेम असेट पे किसी का सेकंड चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल सेम असेट जिसके ऊपर ARC का भी चार्ज है, एक और बैंक का चार्ज है जिसने और उसको लोन दिया था, तो हम सेकंड चार्ज होल्डर को ये असेट देंगे। बैंक इफ एग्रीड, अगर बैंक के साथ आपका एग्रीमेंट है कि कुछ बचा तो आपको देंगे, तो हम बैंक को देंगे। तीसरा, श्योरिटी, जो श्योरिटी है उसने बोरोअर के बिहाफ पे अगर पेमेंट किया है तो हम उसको देंगे। आपने हमेशा सुना होगा बोरोअर इज ऑलवेज लायबल टू श्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ द डेट्स, उसके बाद में बचा हुआ पैसा पूरा बोरोअर को दिया जाएगा। दिस इज एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, हम सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स करते हैं। क्लियर है कांसेप्ट? नेक्स्ट वाला, मैनर एंड इफेक्ट ऑफ टेकओवर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बोरोअर। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि सिक्योर्ड असेट, जब हम लोन लेते हैं तो कई सारे लोग मॉर्गेज नहीं रखते, उनका जो बिजनेस होता है वो गिरवी रखते हैं। बिजनेस गिरवी रखना मतलब आपका बिजनेस किसी स्पेसिफिक प्रिंसिपल के ऊपर चल रहा है। जैसे आपने शायद सुना होगा कि देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्टार्टअप जो अलग अलग बिजनेस पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैट्रो, पैट्रो एक इंडिया का ऐसा वेबसाइट है जिसके ऊपर सभी डॉक्टर्स का लिस्टिंग है, डॉक्टर्स के रेटिंग है, और उस एप्लीकेशन के ऊपर आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो समय के साथ। ये एप्लीकेशन काफी फेमस हुआ। अब अगर आप देखो तो इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट सब सॉफ्टवेयर में है, बाकी इस कंपनी के फिक्स असेट बहुत कम है। तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट इज रिक्वायर्ड कि असेट अगर आप बेचने जाओ बोरोवर के तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड कि आप बोरोवर का बिजनेस टेक ओवर करो, उसका मैनेजमेंट टेक ओवर करो, उसके बिजनेस को रन करो, लोन को रिकवर करो, फिर बोरोवर को उसका बिजनेस वापस दे दो। सो मेनी टाइम्स बिजनेस ऑफ द बोरोवर इज मॉर्गेज अगेंस्ट द लोन ऑफ द बैंक। ये बोरोवर का बिजनेस बैंक के लोन के अगेंस्ट मॉर्गेज होता है, असेट मॉर्गेज नहीं होती है, पूरा बिजनेस ही मॉर्गेज होता है। इन सच अ केस इट इज डिफिकल्ट टू सेल द एंटायर बिजनेस एंड रिकवर द लोन। एआरसी इन सच अ सिचुएशन शॉल अपॉइंट ओन मैनेजमेंट फॉर रिकवरी ऑफ द लोन। एआरसी विल गिव पब्लिक नोटिस फॉर सेम। आपने न्यूज़पेपर में, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिक नोटिस देना है। जिस दिन पब्लिक नोटिस दे दी उस दिन बोरोवर के सभी ऑफिसर्स ऑफिस वैकेट कर देंगे, फिर एआरसी खुद का मैनेजमेंट अपॉइंट कर देगा, फिर एआरसी टेक ओवर करेगा और लोन को रिकवर करेगा। एआरसी विल रिकवर इट्स ड्यूज। आफ्टर सच अ केस बोरोवर कैन ऑल्सो हैव इट्स ओन नॉमिनी ऑन द मैनेजमेंट, और उसके बाद एआरसी खुद मैनेजमेंट बोरोवर को वापस देगा और बोरोवर फिर बिजनेस रन कर सकता है। This is how ARC recovers the loan. ये चीज को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। Clear है concept? This take over of management section number 15. फिर last section आते हैं appeals के, section number 17, 18 और 19, जिसके अंदर बोला है any person aggrieved to take a measure taken by secured creditor, मतलब अगर ARC ने कोई ज्यादती कर दी है, for example ARC ने borrower को 60 days का notice दिया लेकिन borrower के response के लिए रुका ही नहीं, या borrower ने बहुत reasonable response दिया था, ARC ने ना मानते हुए secured asset को secured कर लिया, confiscate कर लिया, तो ऐसे situation में 45 days में आप appeal कर सकते हो। जैसे मैंने आपको already बोला था debt recovery tribunal को, data recovery tribunal नहीं, debt recovery tribunal को आप appeal कर सकते हो। दूसरा, ये appeal 60 days to 4 months के अंदर dispose होगी depending on the situation। 60 days नॉर्मली बोला गया है, 4 महीने तक एक्सटेंड हो सकता है। नेक्स्ट अपील आप करते हो अपीलेट ट्रिब्यूनल को विदिन 30 डेज। डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल DRAT, यहां पे है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। क्लियर है? और ये अपील जो आप पहले वाली की आपने 45 डेज के अंदर की डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को, इन्होंने डिस्पोज किया 60 डेज टू 4 मंथ्स में। इसके बाद में इसके मैं आपने डिस्पोजल कर दिया, इसके बाद में नेक्स्ट अपील जो है वो आप 30 डेज के अंदर करोगे डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल को। डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल इसको डिस्पोज करता है सुओमोटो।
क्लियर है कंसेप्ट? इसके आगे अपील नहीं हो सकता क्योंकि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है. दिस इज, इसके आगे अपील नहीं हो सकता हाई कोर्ट को, बिकॉज दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, दिस इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना. हाई कोर्ट को अपील सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर होता है. यहां तक सेक्शन नंबर 19 खत्म हुआ. यही है आपका सरफेस एरिया. लास्ट एक चीज जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, सेक्शन 31 में दी है, क्योंकि 20 के बाद तो डिलीट हुआ है. 31 में दी है कि यह एक्ट कहां कहां नहीं लगता. बहुत सारे बच्चों को यह शायद नहीं पता, तो पहले सुन लीजिएगा. लीन ऑन गुड्स के ऊपर एक्ट नहीं लगता. हालांकि यह सेक्शन इंस्टीट्यूट ने सिलेबस से निकाल दिया है, पर स्टिल मैं पढ़ाता हूं क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है. इंस्टीट्यूट ऐसे अजीब सवाल पूछती है. लास्ट टाइम किया था एनसीएलटी, डिलीट किया, एनसीएलटी से ही सवाल पूछ लिया. उसके बाद में प्लेस ऑफ मूवेबल्स को लिए नहीं लगता. और उसके बाद में सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट में नहीं लगता, बिकॉज एयरक्राफ्ट चार डिफरेंट पार्ट्स में गिरवी होता है. एयर बस अलग जिसमें लोग बैठे हैं, एयर कॉकपिट अलग जिससे एयरक्राफ्ट मैनेज होता है, एयर टर्बाइन्स मशीन्स अलग एंड एयर विंग्स अलग. अब ऐसे सिचुएशन में आईडीबीआई बैंक से अगर किंगफिशर कंपनी या जेट एयरवेज कंपनी ने आईडीबीआई बैंक से लोन लिया और विंग गिरवी रखे, सिर्फ विंग्स गिरवी रखे और लोन रिपे नहीं किया, तो आईडीबीआई बैंक आएगा विंग्स लेके चला जाएगा. ऐसा भी होता है. ये चीज होने के बाद में क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट यानी वेसल, वेसल मतलब जहाज, वेसल भी अलग अलग तरीके से गिरवे होता है. जैसे वेसल कॉकपिट अलग तरीके से, वेसल फ्रेम अलग तरीके से, वेसल इंजन अलग तरीके से, वेसल फ्रेम अलग तरीके से. उसके बाद में कंडीशनल सेल अगर किया है, फिर उसके बाद में अनपेड सेलर के जहां राइट्स हैं वहां सरफेस एरिया नहीं लगता. अनपेड सेलर के राइट्स, राइट्स अगेंस्ट गुड्स, राइट्स अगेंस्ट द बोरो, राइट अगेंस्ट द परचेसर, राइट अगेंस्ट द गुड्स में राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट टू यूसेज ऑफ द गुड्स फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, राइट टू डिस्पोज द गुड्स अकॉर्डिंग टू द सेलर. राइट अगेंस्ट बोरोवर के अंदर आता है सबसे पहला राइट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सेकंड आता है स्यू फॉर द परफॉर्मेंस, थर्ड आता है दैट इज स्यू फॉर द डैमेजेस. डैमेजेस के अंदर विंडिकेट डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस, एग्जाम्पलरी डैमेजेस, चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट, ये सब चीजें अनपेड सेलर में आती है. सीपीटी, ठीक है. अगला, ये होने के बाद में प्रॉपर्टी इज नॉट लायबल टू अटैचमेंट. जो प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती ऐसे सिचुएशन में सरफेस एरिया नहीं लगता. जैसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज अटैच नहीं होती है, तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसके माइनर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसके ऊपर माइनर टोटली डिपेंड है, वो अटैच नहीं हो सकती. उसके बाद में सिक्योरिटी इंटरेस्ट विच इज अबाउट 1 लाख, 1 लाख सर्फेस या 1 लाख के ऊपर लगता है, 1 लाख के नीचे नहीं. एग्रीकल्चरल लैंड अगर गिरी है तो उसमें सर्फेस या नहीं लगता क्योंकि हम कृषि प्रधान देश है. और सबसे आखिरी, अगर अमाउंट जो रिकवरी का बचा है वो 20% से कम है, पूरा हाथी आपने रिकवर कर लिया, पूछ बाकी है, तो ऐसे सिचुएशन में सर्फेस या नहीं लगता. यहां पे आपका सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट होता है खत्म. अगर आपको चाहो तो आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो. ये मेरे बूस्टर बुक का पार्ट है, बड़ा ठीक है, आपको जरूरत भी है तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो. फटाफट सरफेस आपका भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है. कैसा लगा नीचे कमेंट करना बच्चों, कोई क्वेरी है तो पूछ लेना. ओके, जिनको अमेंडमेंट के बारे में जानना है, जैसे कोई मेरे को कैविएट के बारे में पूछ रहा है एक्सेट्रा, कोई मेरे को पूछ रहा है सर सेक्शन नंबर 5 और 19 एक्सप्लेन करो, ये आप अमेंडमेंट लेक्चर से देखिए. नवंबर 19 का, मई 20 का अमेंडमेंट लेक्चर है, आप उसमें से रेफर कर सकते हो बेटा, ठीक है. चलो इसका स्क्रीन शॉट ले लिया, सेकेंड स्क्रीन. थर्ड स्क्रीन का भी आप क्लिक कर सकते हो, इसका आधा आधा करना. नीचे ओके, उसके नीचे लास्ट वाला.
चलो डन एवरीबॉडी। सेक्शन 8 और 16 बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल नहीं है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे उसको थोड़ा सा साइड में रखा है बच्चों। जो मेन मेन एरिया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, उसी को मैंने यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश की है। ठीक है, होल्ड वन सेकेंड, कनेक्शंस थोड़े से लूज हो रहे हैं, होल्ड। सेक्शन 8 इतना सब्सटेंशियल नहीं है। उसके बाद में लास्ट सेक्शन जो यहां पे आता है, दैट इज सेक्शन नंबर 16। सेक्शन 16 के ऊपर काफी सारे बच्चे कमेंट करे। सेक्शन 16 ये टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बोरोवर का है। अगर आप बोरोवर का मैनेजमेंट टेक ओवर कर लेते हो, तो उसका कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर अगर रिमूव हो जाता है टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट की वजह से बोरोवर का, तो उसको कोई भी कंपनसेशन वगैरह नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो नोट लिख लीजिए, मैं फटाफट बोलता हूँ। एनी मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ द बोरोवर, एनी मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ द बोरोवर, इफ वैकेट्स हिज ऑफिस, इफ वैकेट्स हिज ऑफिस, देन ही विल नॉट बी एलिजिबल, ही विल नॉट बी एलिजिबल टू एनी कंपेंसेशन, एनी कंपेंसेशन बिकॉज ऑफ टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट। ये है आपका सेक्शन नंबर 16, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ, है ना। चलो, सेक्शन नंबर 8 इज रिगार्डिंग कोई भी एलिनेटिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी या बोरोवर के सिचुएशन में वर्कआउट नहीं करेगा, तो निगलिजिबल सेक्शन है, उसको इग्नोर कर सकते हो। यहां पे आपका खत्म होता है सर्फेसिया। सर्फेसिया खत्म होने के बाद में वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर हम जो कवर करने वाले हैं वो है यहाँ पे पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो पीएमएलए का कंसेप्ट ही बहुत सारे लोग नहीं समझते। मैं यहाँ पे पीएमएलए में ज्यादा डिस्कशन नहीं लूंगा, जो काम काम के सेक्शन है सिर्फ उतने ही लूंगा, क्योंकि जितने सेक्शन काम के हैं हम उन्हीं को कवरअप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। सिंपली पीएमएलए का मतलब क्या है, एक दो सवाल है मेरे। आपने सुना था कि भैया सलमान खान ने हिरन को मारा, ये सुना था, प्रूव नहीं हुआ, बाद में ये प्रूव हुआ कि हिरन ने सुसाइड किया था। क्लियर है कंसेप्ट? सो आपने सुना सलमान खान ने हिरन को मारा था, तो क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, डॉक्टर ने किसी की किडनी निकाल के बेच दी, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग है? तीसरा सवाल, कोई फैक्ट्री बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन कर रही है, तो क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग है? ऐसे कई सवाल आते हैं जो बहुत सारे लोगों को लगता है मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, पर ये मनी लॉन्ड्रिंग है। सिचुएशन ऐसा है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है, मैं इसको सिंपली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मनी लॉन्ड्रिंग का हमारा मतलब क्या है, इसको मैं सिंपली यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, तो आपको ये समझ में आएगा काफी आसानी से। सो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है सिंपल वर्ड्स में, ये मैं यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। अगर कोई इलीगल ट्रांजेक्शन है, कौन सा इलीगल ट्रांजेक्शन, जो मेंशन किया गया है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऑफ द शेड्यूल के अंदर, टू द शेड्यूल ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग, कोई भी इलीगल ट्रांजेक्शन, पार्ट ए बी सी में पूरे इंडिया के तमाम इलीगल ट्रांजेक्शन लिस्ट किए गए हैं, हर चीज जो इलीगल है वो यहां पे लिस्ट की गई है। इस इलीगल एक्टिविटी में पैसा इन्वेस्ट करना और इस इलीगल एक्टिविटी से पैसे की रिकवरी करना या पैसा अर्न करना, पैसा क्या करना, अर्न करना, इस चीज को हम सिंपली कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। किसी भी इलीगल एक्टिविटी में पैसा डालना या किसी भी इलीगल एक्टिविटी से पैसा निकालना, इसे हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का सोर्स ही इलीगल एक्टिविटी होता है। अगर इलीगल एक्टिविटी को आप टैप करो तो मनी लॉन्ड्रिंग ऑटोमेटिक टैप हो जाएगा, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का सोर्स ही इलीगल एक्टिविटी होता है, ब्लैक मनी का सोर्स ही इलीगल एक्टिविटी होता है। यह चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना इस कंसेप्ट को। अगर इसलिए सलमान खान ने हिरन को मारा, तो हिरन को मारने के लिए जो भी गन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, जो भी गन परचेस की, दैट इज अ मनी लॉन्ड्रिंग। हिरन को मार के अगर समझो उसका चमड़ा बेच दिया, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। डॉक्टर ने किडनी निकाल के बेच भी, जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, मनी लॉन्ड्रिंग। साथ साथ में मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो किडनी बेची उसका भी जो पैसा आया, मनी लॉन्ड्रिंग। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना। अब इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग में आपको सजा हो सकती है, कितनी सजा हो सकती है, तो बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। ये ऑफेंसेस को आप दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दो। अगर ये ऑफेंसेस नार्कोटिक ड्रग्स, नार्कोटिक ड्रग्स वाले, अगर ये ऑफेंसेस है, ड्रग्स वाले ऑफेंसेस है, तो आपको सजा हो सकती है 3 इयर्स से लेकर 10 इयर्स तक के। लेकिन अगर ये अदर ऑफेंसेस है, अदर इलीगल ऑफेंसेस, अदर इलीगल ऑफेंसेस, तो ऐसे सिचुएशन में आपको 3 साल से लेकर 7 साल की सजा होगी।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर। 3 years to 10 years नारकोटिक ड्रग्स के ऑफेंसेस में, अदर इलीगल ऑफेंसेस में 3 years to 7 years। मनी लॉन्ड्रिंग में एक और पेनल्टी बोली जाती है ₹5 लाख की, लेकिन वो हमारे मॉड्यूल में नहीं दी गई है, वो किसी भी पब्लिकेशन या बुक के अंदर नहीं दी गई है। पर नॉर्मली मनी लॉन्ड्रिंग में पहले दिया गया करते थे, 5 लाख की एक पेनल्टी लगती थी। हालांकि एग्जाम में आपने इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज स्टिल देयर लॉजिकली। ये चीज को याद रखना, जिसको चाहिए प्लीज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। की डिफरेंस क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, संदीप ये बहुत बेसिक है बेटा, वनडे रिवीजन में इसको हम कवर नहीं कर पाएंगे, वेरी सॉरी। चलो डन एवरीबडी, अपील टू सुप्रीम कोर्ट इज नॉट पॉसिबल, इट इज ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ बेटा मिश्रा। चलो ये हो गया सबका। अब अगर आपका ये हो गया तो बढ़ता हूं मैं आगे, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। अब मनी लॉन्ड्रिंग में देखो सेम चीजें यहां पर बोली है जो मैंने आपको अभी अभी समझाई। सो सिंपली यू कैन सी नॉट लेस देन 3 ईयर्स बट अप टू 7 ईयर्स, लेकिन अगर ये नार्कोटिक्स वाला ऑफेंस है तो इट इज अप टू 10 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 7 ईयर्स, ये चीज को आपने याद रखना है। फिर बैंकिंग कंपनीज के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा है, आपने देखा होगा कि जो बैंक ऑडिट करते हैं उन लोगों को 5 साल तक के खुद के अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, 5 ईयर्स तक के अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं उन सभी लोगों को बैंकिंग कंपनीज के सिचुएशन में। तो ये 5 साल के लिए जो अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं बैंकिंग कंपनीज के सिचुएशन में, ये 5 साल लिखा है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर कि 5 ईयर्स को मेंटेन करने। लेकिन अगर आपने 5 ईयर्स तक के अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए और एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने ईडी, यहां पे जो डायरेक्टर मेंशन किया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग में, डायरेक्टर डायरेक्टर इसे हम एनफोर्समेंट डायरेक्टर कहते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने आपसे रिकॉर्ड्स मांगे और अगर आप ये रिकॉर्ड एनफोर्समेंट डायरेक्टर को नहीं दे पाए तो पेनल्टी बोली गई है ₹10,000 से लेकर ₹1,00,000 तक के। यह है सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13, यह चीज को याद रखना, क्लियर है कांसेप्ट। फिर अगला एरिया आता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मतलब अगर कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि भाई किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफिसर को, एडजुडिकेटिव ऑफिसर को अगर ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व है, तो ऐसे सिचुएशन में आपकी प्रॉपर्टी वो अटैच कर सकते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, मैक्सिमम अटैचमेंट कर सकते हैं 180 डेज के लिए। अभी इसके अंदर सेक्शन 8 का एक अमेंडमेंट आया है जो अमेंडमेंट लेक्चर में मैंने कवर किया। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर सेक्शन 8 कहां गया, सेक्शन 8 कहां गया, अमेंडमेंट लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा उनको सेक्शन 8 बिल्कुल नहीं मिलेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, तो आप सेक्शन 8 अमेंडमेंट लेक्चर से ही पढ़िए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज को थोड़ा सा आपने याद रखना, क्लियर है? सो आ जाइए। सो अगर मैं बोलू तो इस सिचुएशन में आपने थोड़ा सा याद रखना, होल्ड ओके। सो अगर मैं बोलू तो इधर ही हम रीड करते हैं पहले इसको। वेर डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द बैंक और डेप्यूटी डायरेक्टर बिलीव्स दैट अ पर्सन इज इन पोजीशन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम मे ऑर्डर इन राइटिंग, राइटिंग में ऑर्डर पास कर सकता है टू कॉन्फिस्केट अ प्रॉपर्टी, मतलब अटैच अ प्रॉपर्टी फॉर 180 डेज। अब ये चीज को आपने याद रखना, बहुत सारे बच्चों को यह नहीं समझ में आता, देयर इज डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन, ठीक है? हम सेक्शन नंबर 8 में या उसके बाद के सेक्शन में जो बात करते हैं वो है कॉन्फिस्केशन की, सेक्शन नंबर 5 में हम जो बात कर रहे हैं वो नॉर्मली है अटैचमेंट की। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। नाउ अटैचमेंट और कॉन्फिस्केशन में फर्क क्या है? अटैचमेंट और कॉन्फिस्केशन में फर्क ये है कि अटैचमेंट में यू हैव अ पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, यू कैन एंजॉय द पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन कॉन्फिस्केशन में नो पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो ओनर है उसके पास प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं रहता, ये प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो जाती है, ये डिफरेंस रहता है। अटैचमेंट में वी साइन अ बॉन्ड फॉर द प्रॉपर्टी, वी साइन अ बॉन्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन कॉन्फिस्केशन के अंदर वी एक्चुअली टेक एंटायर पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब वो प्रॉपर्टी हम सीज करते हैं, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, तो इसे हम कहते हैं कॉन्फिस्केशन। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। फिलहाल हमने प्रॉपर्टी अटैच की है, इसका मतलब ये नहीं कि बंदा प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर सकता। तो थोड़ा आगे पढ़ते हैं, अटैचमेंट के लिए आपको मैजिस्ट्रेट और कोर्ट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। मैजिस्ट्रेट का इसलिए क्योंकि इट इज अ सिविल प्रॉपर्टी और सिविल प्रॉपर्टी को छेना है तो मैजिस्ट्रेट का अप्रूवल लेना पड़ता है। ये इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन चैप्टर में भी ऐसा ही दिया है। नेक्स्ट वाला, ऑफिसर बिलीव्स दैट सच अ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट अटैच इमीडिएटली, देन नॉन अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज लाइकली टू फ्रस्ट्रेट द प्रोसीडिंग। अगर ऐसा लगता है कि नॉन अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ये प्रोसीडिंग्स को स्लो कर देगा, फ्रस्ट्रेट कर देगा,
तो भी आप प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हो। उसके बाद में अटैचमेंट का एक ऑर्डर और कॉपी आपने फॉरवर्ड करना चाहिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, मनी लॉन्ड्रिंग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी, तो आप एनसीएलटी को फॉरवर्ड कर सकते हो इसका कॉपी, एनसीएलटी नहीं ट्रिब्यूनल, पीएमएलई ट्रिब्यूनल जिसको हम कहते हैं पिमलैट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। एवरी ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट शॉल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड, सेड पीरियड कितना है 180 डेज का सेड पीरियड है, जिसके बाद में अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको टाइमलाइन के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से बताऊं बच्चों, तो समझो ये ऐसा वाला सिचुएशन है, सबसे पहले जो आपका डायरेक्टर है उस डायरेक्टर को आना चाहिए सस्पिशन, क्या आना चाहिए सस्पिशन, सस्पिशन के ऊपर वो ऑर्डर पास करेगा अटैचमेंट का, अटैचमेंट का ऑर्डर ये वैलिड है 180 डेज तक के, तो ये 180 डेज तक ऑर्डर चलता रहेगा, समझो अटैचमेंट यहां पे खत्म हुआ 180 डेज पे। ड्यूरिंग दिस पीरियड इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि प्रॉपर्टी के अंदर सच में मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, इन्वेस्टिगेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग किया जाएगा, एंड 180 डेज जहां पे खत्म होते हैं उसके पहले, उसके पहले बिफोर दिस, यहां 180 डेज एक्सपायर हो रहे, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं 1 जून 2025 को आपने ऑर्डर पास किया और नियरली नियरली 28 दिसंबर को 2025 को ये 180 डेज एक्सपायर होने वाले, तो 28 नियरली एक दिन इधर उधर जो भी होगा प्लीज मान लेना, यहां पे एक्सपायर हो रहे 180 डेज, तो इसके पहले ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर आपको प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करना है तो आपको कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर इसके पहले पास करना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। इसी के अंदर सेक्शन 8 में अमेंडमेंट आया है कि अटैचमेंट प्लस सीजर वाला मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना हो सकता है, तो अमेंडमेंट कृपया ठीक से देखना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, ये चीज को याद रखना। अगली चीज, नो इंटरेस्टेड पर्सन शॉल बी प्रिवेंटेड, नो पर्सन शॉल बी प्रिवेंटेड, मतलब कोई भी पर्सन को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते फ्रॉम अवेलिंग बेनिफिट, यही तो मैंने बोला था कि आपके पास पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी जरूर रहेगा क्योंकि सिर्फ अटैचमेंट है कॉन्फिस्केशन नहीं है। द डायरेक्टर एनी ऑफिसर प्रोविजनली अटैचेस अ प्रॉपर्टी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फाइल अ कंप्लेंट स्टेटिंग द फैक्ट दैट अटैचमेंट बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, कंप्यूटेशन ऑफ 180 डेज जो कोर्ट का स्टे ऑर्डर का पीरियड है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई स्टे दिया है तो वो पीरियड इसके अंदर काउंट 180 डेज में नहीं किया जाएगा। यह है आपका अटैचमेंट सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और साइड वाली चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गो फॉर इट फर्स्ट। हम अटैचमेंट की तरफ भी जाएंगे, जस्ट वेट फॉर इट। हाँ, अटैचमेंट प्लस स्टे ऑर्डर बाय कोर्ट प्लस 30 डेज आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, यहां पे आप देख सकते हो नॉट एक्सीडिंग 30 डेज आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं यहां पे, अगर स्टे ऑर्डर लगा है तो मैक्सिमम 365 डेज, बहुत बढ़िया डॉली जसनी, हम इसके ऊपर जाने वाले हैं, जस्ट वेट फॉर इट। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा तो इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये भी आपके काम में आएगा। चलो अब मैं इसका थोड़ा सा अमेंडमेंट कवर कर लूं, मतलब कैसा सिचुएशन होगा कि आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं जाएगी बेटा, ठीक है, आ जाइए प्लीज, होल्ड। इस बार का ही मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आया है, 2-3 अमेंडमेंट आया है, सभी एक साथ कवर कर लेते हैं, जिसमें से सबसे पहले सेक्शन 8 वाला अमेंडमेंट हम कवर कर लेंगे, मतलब आपको समझने में आसानी हो जाएगी, आ जाइए, लेट्स गो। सो ये है सेक्शन नंबर 8, मैंने अमेंडमेंट नोट्स के अंदर दिया था, बच्चे अमेंडमेंट लेक्चर बिना देखे कंप्लेंट करने गए, सर सेक्शन 8 कहा गया, सेक्शन 8 कहा गया, निकम्मो पहले लेक्चर देखा करो जिन्होंने भी नहीं देखा। नाउ दिस इज कंबाइंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 8 एंड सेक्शन नंबर 17 जो है फ्रीजिंग ऑफ असेट। सेक्शन नंबर 5 इज अबाउट अटैचमेंट, सेक्शन नंबर 8 इज अबाउट कॉन्फिस्केशन, सेक्शन नंबर 17 इज अबाउट फ्रीजिंग, ठीक है। सबसे पहले 1 जून 2025 को एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने अटैचमेंट का ऑर्डर पास किया, पर ये कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर नहीं है, सिर्फ अटैचमेंट का ऑर्डर है, कॉन्फिस्केशन नहीं है, सिर्फ अटैचमेंट है। 180 दिन जहां पे खत्म होंगे उसके बाद 30 डेज के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को आपने कंफर्म करना है विथ एविडेंस कि आपने अटैचमेंट किया है, यह प्रोविजनल अटैचमेंट है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहां पर कॉन्फिस्केशन खुद कंफर्म करेगा, यहां जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर दे रहा है वो कॉन्फिस्केशन की है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, आइडिया क्लियर है। इस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अक्यूज कॉन्फिस्केशन के ऑर्डर पास करने के पहले अक्यूज को कॉल करेगा और उसके बाद में डिसीजन देगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टर का ऑर्डर का इधर वैलिड करेगा या एनफोर्समेंट डायरेक्टर के ऑर्डर को रिजेक्ट कर देगा, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। और ऐसे सिचुएशन में जो कॉन्फिस्केशन और अटैचमेंट का पीरियड दिया गया है मैक्सिमम, वो दिया गया है 365 डेज का, कितने डेज का दिया गया है 365 डेज, इस चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए, जिसको चाहिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखिए।
जितना जितना भी स्टे पीरियड है उसके प्लस 30 डेज। जय चिचानी। थर्टी डेज विदाउट कॉन्फिस्केशन मैंने नहीं बोला है बेटा, 30 डेज आफ्टर कॉन्फिस्केशन सिचुएशन के बाद बोला है। बेटा प्रीति जैन, इट इज अ रिविजन लेक्चर, याद करने की कोशिश खुद को करनी पड़ेगी, हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। क्रिमिनल मैजिस्ट्रेट बेटा तब आता है जब ऑफेंस क्रिमिनली क्लासिफाई होता है, और मैजिस्ट्रेट नॉर्मली क्रिमिनल कोर्ट के ही होते हैं, सिविल कोर्ट के मैजिस्ट्रेट्स नहीं होते। सिविल कोर्ट के मैजिस्ट्रेट को जज कहा जाता है, अमेंडमेंट लेक्चर में मैंने मेंशन किया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? शुभम, अगर आपको डेज के मामले में दिक्कत है तो प्लीज अमेंडमेंट लेक्चर डीपली देखिए, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से इसको मेंशन किया है कि ये 180 डेज, 30 डेज और 365 डेज किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, जिनको डेज के बारे में दिक्कत है प्लीज इसको बहुत प्रॉपरली देखिए। ठीक है, चलो ये चीज होने के बाद में अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर एक और अमेंडमेंट आया था। वो सिंपली ऐसा था कि इसके पहले हर बैंक को नॉर्मली केवाईसी के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते थे, अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अलाउ करके रखे हैं। हर बैंक खुद के क्लाइंट के लिए, मतलब जो क्लाइंट है, ये इसका थोड़ा सा रेफरेंस आपको मिलेगा बेनामी प्रॉपर्टीज ट्रांजैक्शन के अंदर, बेनामी के अंदर आपका रेफरेंस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, बैंक अकाउंट किसी क्लाइंट के नाम पे है पर उसका एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर कोई और है, जैसे बैंक अकाउंट मैंने खोला पर बेनिफिशियल ओनर मेरा बेटा है, तो ऐसे सिचुएशन में केवाईसी आपको क्लाइंट का भी देना पड़ेगा और बेनिफिशियल ओनर का भी देना पड़ेगा, मतलब मेरा भी और मेरे बेटे का भी। इस सिचुएशन में आपको केवाईसी के लिए आधार कार्ड चलेगा, ऑनलाइन भी दिया तो भी चलेगा, ऑफलाइन फिजिकली दिया तो भी चलेगा, पासपोर्ट देना पड़ेगा, ऑफिशियली जो भी डॉक्यूमेंट वैलिड होते हैं वो आपको देने पड़ेंगे, और इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट केवाईसी का एक्स्ट्रा आपको देने की जरूरत नहीं है। इस चीज को इस बार इन्होंने एनफोर्स किया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, उन्होंने आधार कार्ड की प्रोसीजर्स थोड़ी सी एडअप करके रखी है। ठीक है, ये चीज को आपने थोड़ा सा याद रखना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। फिर उसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हम वापस जाते हैं। आ जाइए। ये होने के बाद में नेक्स्ट कंटेंट के ऊपर हम जा रहे हैं, एडजुडिकेशन ऑफ अथॉरिटी, वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, जब नॉर्मली आपकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो जाती है तो अल्टीमेटली ये प्रॉपर्टी माना जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वेस्ट की जाएगी। सो ध्यान देना, व्हेन एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन, ऊपर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन बाय ऑफिशियल गैजेट में अपॉइंट करेगा, जिसके अंदर उतने चेयरमैन और उतने मेंबर्स रहेंगे जितना सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड किया, ये बोला है। आगे बढ़ते हैं, वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, वेयर ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ person, all the rights and title of such a property shall vest absolutely in the CG, free from all encumbrance. Vest in CG, central government में ये सभी के सभी title vest किए जाएंगे। Clear concept? Adjudicating authority is of the opinion that encumbrance of the property or leasehold interest has been created with a view to defeat a provision of this chapter. It may declare the encumbrance or leasehold interest to be void and the said property shall vest in the CG freely. No person shall be discharged from any liability in respect of the encumbrance which may be enforced against such a person by suit or damage. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का इसके ऊपर राइट रहेगा, और अगर किसी बंदे ने उस प्रॉपर्टी के ऊपर encumbrance करने की कोशिश की तो सीजी प्रोसीड करके उससे डैमेजेस वसूल कर सकता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। ये चीज होने के बाद में हम जा रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अपील्स के अंदर। अभी जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का अपील्स है, इसके लिए मैंने एक चार्ट ड्रॉ करके रखा है, आई विल गो टू दैट फर्स्ट। आ जाइए। ठीक है, मैंने अपील्स के लिए एक चार्ट ड्रॉ करके रखा है, काफी अच्छा चार्ट है, आपको समझने में काफी आसानी जाएगी अगर आप ठीक से ध्यान देते हो तो। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में आपके खिलाफ पेनल्टी का अगर ऑर्डर पास किया, एग्रीड पार्टी जो है, या अगर बैंक के खिलाफ पेनल्टी का ऑर्डर पास किया सेक्शन नंबर 12 या सेक्शन नंबर 13 के अंदर, या फिर आपके प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास किया, यह प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशन का भी ऑर्डर हो सकता है, कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी का भी ऑर्डर हो सकता है, अगर ये किसी ने ऑर्डर पास किया तो ऐसे सिचुएशन में 45 डेज में आप अपील कर सकते हो अपीलेट ट्रिब्यूनल को। अपीलेट ट्रिब्यूनल के पावर्स ये सिविल कोर्ट के दिए हुए पावर्स है जो कंपनीज एक्ट के 424 सेक्शन के है, सेम है, जैसे इन्फोर्सिंग ऑन अटेंडेंस, एग्जामिनेशन ऑन ओथ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, ये सब चीजें एक्स पार्टे डिसीजन, ये सिविल कोर्ट के पावर्स है जो किसी भी केस करने के लिए, एंटरटेन के लिए आपको लगते हैं। 6 मंथ्स के अंदर ये अपील नॉर्मली डिस्पोज होगा,
अगर एडजुडिकेटिंग अपीलेट ट्रिब्यूनल की हम बात करें तो उसके अंदर दो मेंबर्स होते हैं और एक चेयरमैन होता है जो सीजी अपॉइंट करता है। नेक्स्ट 60 डेज में आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट को, जिसके अंदर इसका ज्यूरिसडिक्शन है। ज्यूरिसडिक्शन ये एग्रीव्ड पार्टी का रहेगा, और अगर एग्रीव्ड पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट है तो जो रिस्पॉन्डेंट है उसके ज्यूरिसडिक्शन वाले हाई कोर्ट में अपील जाएगा। हाई कोर्ट डिस्पोज करता है सुमोटो, ये सबको मालूम है। अगला अपील आप 60 डेज में कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल नंबर 134 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आपका ऑफेंस सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 3 या कोई भी दूसरे ऑफेंस का है, ऑन एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये ऑफेंस स्पेशल कोर्ट ट्राई करेगा फॉर द पर्पस ऑफ स्पीडी डिस्पोजल। ये चीज को आपने अच्छे से याद रखना है। ये है अपील्स ऑफ पीएमएलए। कैसा लगा चार्ट मुझे जरूर बताना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। हाँ, 45 प्लस 45, 60 प्लस 60, दोनों यहाँ पे आएगा। बेटा यहाँ हम याद करवाने के लिए नहीं बैठे हैं, यहाँ हम रिवाइज करवाने के लिए बैठे हैं। अगर मैं याद करवाने बैठूँ तो पूरा दिन के अंदर हम सिर्फ पीएमएलए और सरफेसिया ही करते रहेंगे बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, नीचे का भी ले लो। चलो डन, नेक्स्ट। मैं वापस जाता हूँ जरा नोट्स में एक बार, कुछ चीजें अगर रह गई है तो ठीक है। ये देखो सिविल कोर्ट के पावर्स, जो सिविल कोर्ट के पावर्स में बोल रहा था ना, आ जाइए। सिविल कोर्ट के पावर्स बोल रहा था वो यहाँ पे है, जैसे एनफोर्सिंग द अटेंडेंस, एग्जामिनेशन ऑन ओथ, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, रिसीविंग एविडेंस एंड एफिडेविट्स, रिक्विजिशन ऑफ द पब्लिक रिकॉर्ड्स, कमीशन इशूइंग कमीशन, सेटिंग असाइड द ऑर्डर, डिसमिसल एंड रिप्रेजेंटेशन, रिव्यूइंग द डिसीजन, ये सभी सिविल कोर्ट के पावर्स है। अच्छा, जो भी हमारा डिसीजन है अपीलेट ट्रिब्यूनल का वो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स से लिया जाएगा। मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स मतलब एक चेयरमैन है, दो मेंबर्स है, तो ऑब्वियसली दो लोग डिसीजन लेंगे तीन में से। हाई कोर्ट को अपील आप 60 डेज में कर सकते हो, ये हो गया। स्पेशल कोर्ट सिर्फ स्पेशल अपील ट्राई करेगा जो सेक्शन 3-4 के अंदर दी गई है, सिर्फ वही अपील। अच्छा, कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला एरिया है, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर कॉग्निजेबल मत का मतलब होता है ऐसा अपील जिसके खिलाफ हम कॉग्निजेंस लेंगे, तो जरा पढ़ते हैं इसको, मतलब जिसके खिलाफ दखल लेंगे, जिसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ओवरराइडिंग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, ये अमेंडमेंट हुआ है, पनिशेबल टर्म्स ऑफ इंप्रिजनमेंट 3 ईयर वगैरह वो अमेंड हो चुका है। शॉल नॉट बी रिलीज ऑन बेल ऑन हिज ओन बॉन्ड अनलेस, मतलब नीचे दिए गए लोगों को आप रिलीज कर सकते हो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता, इसका मतलब होता है अपोजिशन का लॉयर, अपोजिशन का लॉयर, ठीक है। अपोजिशन के लॉयर को पूरा अपॉर्चुनिटी दिया है बेल को अपोज करने का, बट फिर भी वो अपोज नहीं कर पाया। दूसरा मतलब उसके एविडेंसेस उसके पास नहीं थे। अगर कोर्ट को लगता है ही इज नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम, या वो क्राइम उसने किया ही नहीं है, तो उसको बेल के ऊपर छोड़ा जा सकता है। अगर वो 16 साल के नीचे है तो उसको रिमांड होम में रखा जाता है, इसलिए उसको छोड़ा जाएगा। अगर वो वुमन है 16 साल के नीचे, और वुमन है और वुमन की कंडीशन कुछ अलग है, जैसे प्रेगनेंसी वगैरह वाली सिचुएशन है, तो या फिर वो बंदा सिख है तो हम उसको हॉस्पिटल में भेजते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उसको बेल दिया जाएगा। इफ द ऑफेंस इज अबव 1 करोड़ नो बेल शॉल बी गिवन, ये स्टार मार्क करके रखना, अमेंडमेंट है। 1 करोड़ के ऊपर के ऑफेंस के लिए कोई भी नॉर्मली बेल नहीं दिया जाता, इसके लिए आपको बहुत बड़े परमिशंस के ऊपर जाना पड़ता है नॉर्मली। नेक्स्ट वाला, द स्पेशल कोर्ट कैन टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ओनली ऑन रिसीविंग अ कंप्लेंट इन राइटिंग फ्रॉम द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑफ सीजी और एसजी एसओ ऑथराइज्ड। अगला है रेसिप्रोकल एग्रीमेंट। रेसिप्रोकल एग्रीमेंट काफी आसान है, इसको बहुत सिंपली समझना। इंडियन गवर्नमेंट का बाहर के देशों के साथ में एग्रीमेंट है कि अगर कोई बंदा यहां मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर लेके जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में इंडियन गवर्नमेंट उस देश के, उस कंट्री के गवर्नमेंट को कॉन्टैक्ट करके उस बंदे को पकड़ने का और उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर पास कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया और यूएस का ऐसा एग्रीमेंट है, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो रेसिप्रोकल एग्रीमेंट ये एक्चुअली सिर्फ पीएमएलए का पार्ट नहीं है, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट हमारे सिलेबस में दो जगह पे आता है। एक हमें आता है इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन चैप्टर में, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सेक्शन नंबर 217 के अंदर, क्लियर है कॉन्सेप्ट। एसएफआईओ के जो पावर्स है सेक्शन नंबर 212 में, एसएफआईओ जहां डिफाइंड है, हेलो शिट, ओके, एसएफआईओ के जो पावर्स है सेक्शन नंबर 211 में और 212 में, जो है एसएफआईओ हम अपॉइंट करते हैं, उस पावर्स के तहत अगर हम देखा जाए तो भी रेसिप्रोकल एग्रीमेंट यूज कर सकते हैं। मतलब आप यहां पढ़ो तो इन्वेस्टिगेशन चैप्टर में यूज होगा, इन्वेस्टिगेशन में पढ़ा होगा तो यहां यूज होगा, बिकॉज दोनों जगह पे नियरली सेम एग्रीमेंट है, तो बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना।
लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मतलब हम बाहर के देश को, अगर हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट है तो हम उनको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट डाल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का. तो ऐसे सिचुएशन में व्हेन एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट को एप्लीकेशन किया गया है, ऐसे सिचुएशन में किससे एप्लीकेशन आया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से एप्लीकेशन आया कि हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, और वो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का रैंक सुपीरियर वाला होना चाहिए. ओपिनियन, उन्हें ऐसा लगता है कि एविडेंस इज अवेलेबल इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, कि भाई ऑस्ट्रेलिया में एविडेंस अवेलेबल है इस चीज का. तो ऐसे सिचुएशन में लेटर टू होम स्पेशल कोर्ट ये बाहर के कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के ऑथॉरिटी को, कंपिटेंट ऑथॉरिटी को लेटर दे सकता है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और फिर वो कंपिटेंट ऑथॉरिटी स्पेशल कोर्ट को वो इन्वेस्टिगेशन, वो एविडेंस अप्लाई करेगी जो अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यूज करेगा. वही अगर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से हमें कोई लेटर आया, और वो लेटर आना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब किसी मिनिस्ट्री को, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से लेटर आया, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा स्पेशल कोर्ट को, या जो भी अथॉरिटी जो इन्वेस्टिगेशन के लिए लायबल है. मतलब हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमको सपोर्ट करो, इतना ही बेसिक आपने इसमें याद रखना है. क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? हाँ ना. इसमें इंफॉर्मेशन आपने डिस्क्लोज करनी है जिस तरीके से आपको सही लगता है और बहुत जरूरी लगता है उस हिसाब से. नेक्स्ट वाला, रिकवरी ऑफ द फाइन एंड पेनल्टी. ठीक है, सबसे पहली चीज बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है. सेक्शन नंबर 62 वेक्शसियस वोग सर्च, और दूसरा है सेक्शन 63 फॉल्स इंफॉर्मेशन और फेल्यूर, जो इंफॉर्मेशन आपने गलत दी इसके लिए. तो इसको मैं पढ़ता हूं. एनी अथॉरिटी और द ऑफिसर एक्सरसाइजिंग पावर हु विदाउट रीजन रिकॉर्डेड इन राइटिंग सर्च और कॉज टू बी सर्च एनी प्लेस डिटेन्स एनी अरेस्ट पर्सन और शॉल फॉर एवरी ऑफेंस बी लाइबल टू कॉन्विक्शन फॉर द इंप्रिजनमेंट एक्सीडिंग टू टू एक्सटेंडिंग टू टू ईयर्स नॉट एक्सीडिंग एक्सटेंडिंग टू टू ईयर अप टू टू ईयर्स का इंप्रिजनमेंट है एंड विद अ फाइन विच में एक्सटेंड्स टू 50,000. मतलब अगर कोई भी बंदा अगर होल्ड कोई भी बंदे के यहां पे अगर सर्च सीजर चल रहा है, कॉन्फिस्केशन चल रहा है, और वो नॉर्मली उसके अंदर कोऑपरेट वगैरह नहीं करता है, सर्च सीजर कॉन्फिस्केशन ठीक से नहीं होता है, तो 2 साल तक की सजा और 50,000 का फाइन आएगा. दूसरा, एनी उसके अंदर फॉल्स इन्फॉर्मेशन और फेलियर टू गिव इन्फॉर्मेशन. अगर आपको किसी अथॉरिटी ने इन्फॉर्मेशन मांगा है पीएमएलए में और आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको 2 साल की सजा होगी, 50,000 तक का फाइन होगा. दोनों केस में सेम ही है. बींग लीगली बाउंड टू अ स्टेट ट्रूथ एंड रिफ्यूज द आंसर एनी क्वेश्चन पुट ऑन हिम. मतलब अगर वो सच नहीं बोलता या किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मना करता है. उसके बाद में रिफ्यूज टू साइन अ स्टेटमेंट, वो कोई भी स्टेटमेंट साइन करने के लिए मना कर देता है, कोई भी आंसर देने के लिए मना करता है, उसको बुलाया जाता है, समन किया जाता है, पर वो अटेंड नहीं करता. तो ऐसे सिचुएशन में 500 नॉट लेस देन 500 विच में एक्सटेंड्स टू 10,000 इतना उसको पेनल्टी लग सकता है 500 रुपीज पर डे के हिसाब से. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना. सॉरी, पर डे नहीं, 500 से लेकर 10,000 का सिर्फ समनिंग के लिए पेनल्टी है. मैं एक बार वापस इन दोनों सेक्शन को बोलता हूं, हो सकता है कि कुछ लोगों को इसका इंटरप्रिटेशन ना समझ में आया हो. पहली बात, पहले केस में आई गेस जो मैंने बोला वो कुछ मिसकंसेप्शन में जा सकता है, इसलिए बोला हूं सेक्शन 62 का. कोई भी ऑफिसर अगर किसी भी पर्सन के ऊपर जबरदस्ती कोई ऑर्डर पास करता है सर्च सीजर कॉन्फिस्केशन का या जोर जबरदस्ती वाला विदाउट एनी कॉन्क्रीट एविडेंस और विदाउट एनी सब्सटेंस, तो ऐसे ऑफिसर को ऐसा विक्षसीय सर्च अनबेस्ड जिसके लिए कोई तथ्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा सर्च करने के लिए ऑफिसर को वो पेनल्टी दिया गया है. ये गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ पेनल्टी है. मतलब प्लीज इस चीज को अच्छे तरीके से याद रखना, दिस इज अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर. जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसके खिलाफ वाला यह पेनल्टी है. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. फर्स्ट टाइम जो मैंने बोला था, मेरे को ऐसा लगा कि मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन अगेन. और दूसरे केस में जिस पर्सन को सर्च किया जा रहा है ये पर्सन के खिलाफ पेनल्टी है, अगेंस्ट अ पर्सन, अगेंस्ट अक्यूज्ड, इसके खिलाफ वाला ये पेनल्टी है. तो दोनों में डिफरेंस बड़े अच्छे से समझना. क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? हाँ ना. ये चीज को याद रखना. उसके बाद में ऑफेंस बाय कंपनीज, कल हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था फेमा के एंड में कॉमन पॉइंट्स के अंदर, कि कंपनीज ने ऑफेंस किया तो जो पर्सन इंचार्ज ऑफ मैनेजमेंट है वो लायबल रहेगा. लेकिन अगर उसने ये प्रूव कर दिया कि भाई वो डिलीजेंट था और उसके बिना नोटिस के कॉन्ट्रावेंशन किया गया, तो वो लायबल नहीं रहेगा. एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा. उसके बाद में कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग, अगर कल ये भी बोला था अगर एक्यूज पर्सन के खिलाफ प्रोसीडिंग चल रहा है और एक्यूज पर्सन डेड हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसके नॉमिनी के खिलाफ या लीगल हेयर के खिलाफ प्रोसीडिंग किया जाएगा. ये चीज को आपने याद रखना. यहां पे आपका एक और लॉ खत्म होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. क्लियर है? कोई क्वेरी है तो पूछ लो, जिनको चाहिए वो इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं. ठीक है, सो कहां से स्क्रीनशॉट देने हैं? यहां से, कॉग्निजेबल ऑफेंस से. गो फॉर इट फर्स्ट, एक एक ले लेना.
सिक्स मंथ्स डिस्पोजल, पिमलेट का डिस्पोजल है बेटा हाईकोर्ट सुमोटो करता है। वुमन है, सिख है, इन्फर्म है, अंडर द एज ऑफ 16 है तो ऑब्वियसली बेल मिलेगा, या तो फिर ऑफेंस 1 करोड़ के ऊपर का नहीं है तो बेल मिलेगा, ये चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नीचे अदर देन वुमन है, सिख है, इन्फर्म है, देखो एक चीज याद रखना, वुमन है, सिख है, इन्फर्म है तो जरूर बेल मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा कोई पर्सन है जिसको बेल चाहिए है उसका ऑफेंस 1 करोड़ के नीचे होना चाहिए, ये चीज को आपने अच्छे से याद रखना। एक करोड़ के ऊपर के ऑफेंस को नो बेल व्हाट एवर मे बी द मैटर, उसके लिए बहुत डिफरेंट प्रोसीजर आती है सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, शिखर गुलाटी, कॉन्फिस्केशन एंड अरेस्टमेंट का डिफरेंस मैंने ऑलरेडी समझाया बेटा, इसको और ठीक से जरा रिवर्स करके देखिए प्लीज। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गुड, इसका भी ले लीजिए, बहुत बढ़िया। ये चीज को अगर आपने याद रखना, सर अगर वुमन है, एक मिनट मैं इस चीज को वापस से थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना मैंने यहां पे कॉग्निजेंस में क्या बोला है। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आप वुमन हो, सिख हो, इनफर्म हो, 16 ईयर के नीचे हो तो आपको बिल कैसे भी मिलेगा, क्लियर है कंसेप्ट सबको, हाँ ना, ये चीज को अच्छे से याद रखना। दूसरा, अगर दूसरा कोई बंदा है जो ना वुमन है, ना सिख है, ना इन्फर्म है, ना ही बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज है, जो नॉर्मल बंदा है, क्लियर है, उसको बेल चाहिए, उसको बेल चाहिए तो उसको ऑफेंस 1 करोड़ के नीचे होना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना, क्लियर है। ओके, वुमन सिख और इन्फर्म को तो लॉजिकली वैसे ही मिलना चाहिए ना बेटा बिल, अगर कोई बंदा 16 साल के नीचे है उसको ऑफेंस अगर 1 करोड़ रहे या 1 करोड़ के ऊपर का रहे उसको तो वैसे भी बेल मिलना चाहिए, तो ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना, क्लियर है। ये सब पॉइंट्स है और है एक दूसरे को, ठीक है, चलो यहां तक हो गया, यहां पे हमारा लॉ खत्म होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आई गेस हम यहां पे अब ब्रेक लेंगे, अगला सेशन जो हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे डायरेक्टर्स से, वो भी कंपनी लॉ डायरेक्टर्स से, उसमें हम सबसे पहले जो चैप्टर कवर करेंगे वो है अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन एंड मैनेजर रेमुनरेशन। मैं अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन और मैनेजर रेमुनरेशन को डिवाइड करके नहीं पढ़ा सकता, थोड़ा सा स्टार्टिंग में हमें एटरेंडम जाना पड़ेगा क्योंकि हमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बड़े अच्छे तरीके से चाहिए, इसलिए हो सकता है मैं कुछ एटरेंडम सेक्शन कवर करूं डायरेक्टर सेक्शन के अंदर, सो प्लीज उसको कोऑपरेट कीजिएगा, ये आपकी ही लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत बेटर वाली सिचुएशन क्रिएट करेगा, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो 628 650 लोग हैं, धड़ाधड़ लाइक ठोकिए, कम से कम 500 लाइक यहां पे आनी चाहिए, डन 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 डन, फिर उसके बाद में हम सेशन को स्टॉप करेंगे, तब तक कोई क्वेरी है तो पूछ लो, ठीक है, 500 लाइक ठोकिए फटाफट बच्चों। ओके, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, जिसको भी पीएमएलए के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के बारे में दिक्कत है तो प्लीज मैं इसको बता दूं, ऑलरेडी मैंने बोला था एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एनफोर्समेंट डायरेक्टर है, मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया था, लेकिन जिसको भी ये इसके बारे में नहीं पता तो यहां पर आ जाइए, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पीएमएलए की, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, दैट इज अ एनफोर्समेंट डायरेक्टर। नॉर्मली एनफोर्समेंट डायरेक्टर गवर्न किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू भी गवर्न किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के थ्रू भी गवर्न किया जाता है, क्योंकि ये एनफोर्समेंट डायरेक्टर अलग अलग लॉ में यूज किया जाता है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। धड़ाधड़ 500 तक पहुंचा दो लाइक्स को बच्चों, ठीक है, आर्बिट्रेशन नहीं करने वाले बेटा, आर्बिट्रेशन का ऑलरेडी लेक्चर यूट्यूब के ऊपर दिया गया है, हमने नियरली सभी एक्ट कर लिए हैं, सेबी और सिकरा हम कवरअप करने की जरूर कोशिश करेंगे, जो भी लोग पूछ रहे हैं उनको मैं बोल दूं, ठीक है, 444 लाइक्स हुए हैं, 600 650 लोग हैं, सिर्फ 450 लाइक हुए हैं, फटाफट फटाफट आर्बिट्रेशन नहीं कर पाएंगे, यूट्यूब के ऊपर लेक्चर है बेटा ऑलरेडी देख लीजिए, अब अगर हम यही करते बैठे तो हमारे कंपनीज और अदर कंपनी लॉ रह जाएगा बच्चों, सेबी सिकरा हम करने वाले हैं, मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं, फटाफट फटाफट, और क्वेरी है तो प्लीज क्वेरी पूछिएगा बच्चों, लव यू ब्रो कपिल। चलो 490,
490। बैंकिंग इंश्योरेंस हम नहीं ले पाएंगे प्रीति, बिकॉज ओल्ड सिलेबस के बच्चे बहुत कम है, हमें मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट कैटर करना है। 501 तू फान शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे को स्ट्रीम क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि हम चैप्टर वाइज रिवीजन ले रहे हैं। अभी हम ब्रेक लेते हैं टेंटेटिवली, 3:10 हुए हैं। मैं अभी अपनी घड़ी में दिखा दूं, मेरे घड़ी में, ये घड़ी से आप आपकी घड़ी मैच कर लीजिए, ये बहुत काम की चीज है। 3:10 हुए हैं, हम 3:30 शार्प मिलेंगे डायरेक्टर्स के रिविजन के लिए, ठीक है। सो दिस ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस दर्शन करें, बेस्ट ऑफ लक। और प्लीज इसको इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर जहां कहीं भी चाहिए शेयर कर देना, मैक्सिमम बच्चों को हमें बेनिफिट देना है, गो फॉर इट फास्ट।